हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के धनरुआ में। आरजेडी की प्रत्याशी मीसा भारती की रोड शो है और वे यहां अपनी पार्टी के कार्यालय का भी उद्घाटन करने आप पहुंची हैं। उनके साथ पहुंचे हैं चट्टान जी जो हैं आरजेडी के बहुत ही कमिटेड कार्यकर्ता हैं और ये अक्सर अपने खास अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं। चट्टान जी, यहाँ कैसे आना हुआ आपका धनरुआ में? देखिए, धनरुआ में हमको आना हुआ है कि गांव जाकर करके हमसे माँ बहन से जाकर के हमको वोट मांगना है और तमाम गार्जियनों को बीच हमको दर्शाना है कि जो हालात हुआ है नोटबंदी से, जीएसटी से और बालू बंदी से जो परेशानी का सामना हुआ और मजदूर जो भुखमरी के कगार में आ गया है, अब सरसाही राज जो है ये तो माने इंसान को एकदम परेशान कर दिया है। इसलिए हम लोग जनता के बीच आदरणीय सुप्रीम लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की बेटी खड़ी हुई है मीसा भारती और हम लोग इन्हीं का वोट मांगने के लिए घरे घर हम लोग हाथ जोड़ कर करके घरे घर वोट मांगने का काम कर रहे हैं और महिला को दर्शाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो कहा था कि 15-15 लाख रुपया खाता में हम देने का काम करेंगे, मगर 15-15 लाख रुपया के लिए गांव के लोग खाता खुलवा कर करके रोज़ बैंक का दौरा लगा रहे हैं कि शायद आज हमको 15 लाख रुपया मिल जाए। मगर जब जनता ने उत्साह होकर के, गुस्सा होकर के जब मांग करने का काम किया तो अमित शाह ने कहा कि ये एक जुमला था। तो इस बार जो है जनता जो है जुमलाबाजों को आगे आने नहीं देगा। जो अच्छा काम करें, सच्चा काम करें, उन्हीं के तरफ आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर मीसा भारती यहाँ से तमाम पाटलिपुत्र के जितने मतदातागण हैं उन्होंने उनके गोद में वोट डाल दिया है। इस बार बहुत सारे वोट से जीतने का काम करेंगे, कम से कम तो 50-60 हज़ार वोट से लीड करेंगे यहाँ से। एक चीज बताइए, पिछले चुनाव में मीसा भारती को हार का सामना करना पड़ा था, कहा जाता है कि मोदी लहर था। इस बार मोदी सरकार कह रही है कि हमें देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वोट कीजिए। अब देखिए, मोदी सरकार बोले हैं कि हम चौकीदार हैं, मगर चौकीदार तो पूरे लोग हैं। अपने खेत का, बधार का, घर का, मकान का, सच्चाई के सामने आइए, सब हम चौकीदार हैं। इसमें कोई दो मती की बात नहीं कि हम चौकीदार नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने वादा किया था, मोदी सरकार जो वादा किया था कि हमने इतना नौकरी देंगे, हमने जो है ना विकासों का काम देंगे, हम जो है ना पूरे बिहार को नया चेंजिंग कर देंगे, ये कुछ नहीं हुआ है। इनका जो जुमला वाली जो बात है वो जनता इस बार जाग गई है और जान गई है। जनता इस बार आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये पार्टी है लालू यादव की और तमाम लोग एकजुट होकर करके हम लोगों का जो गठबंधन है, जो सहयोग पार्टी है, माले है, ये सभी जो भी पार्टी हम लोग के साथ मिले हुए हैं सहयोग भी अच्छे दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अच्छे दिन लाएंगे, मगर वो तो अच्छे दिन नहीं लाए, जुमला वाला दिन लाए हैं। मगर लालू यादव की जो आ जाएगी जब सीट, तो समझ लीजिए कि अच्छे से भी अच्छे दिन आएंगे। ये बताइए कि आप घूम रहे हैं जगह जगह वोट मांग रहे हैं, लेकिन रामकृपाल यादव के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से जुटे हुए हैं। देखिए, आप पहले हमको ये बताइए, वो कहते हैं कि जमीन से जुड़े हुए हैं, मगर जितने भी जमीन के गिरे हुए हैं सबको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई किया है तो वो आदरणीय लालू यादव किया है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये आप लोग मीडिया वाले हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। रामविलास पासवान का क्या हुआ था, गिर गए थे, उसको भी लालू यादव उठा के ले बढ़ाए आगे। इसी तरीके से हमारा जो लालू यादव है, ये तमाम जनता का जो लालू यादव है, लालू यादव का दिल कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा दिल है। और लालू यादव की जीत को इस बार कोई रोक
नहीं सकता है। किसी भी हाल में जीत होगी तो आरजेडी की होगी। ये बताइए, पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि जो हम एयर स्ट्राइक किए, सर्जिकल स्ट्राइक किए, ठीक है, देश की सुरक्षा खतरे में है और देश की सुरक्षा को हम ही ठीक से संभाल सकते हैं, रख सकते हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे फिर वोट मांग रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये बात जो आप पूछने चाह रहे हैं, सैनिक कोई भी हैं, हमारे घर से भी हैं, सबके घर से भी हैं, उनका काम है जो सुरक्षित करना वो सुरक्षित कर रहे हैं। इनके बारे में हम कोई ऐसी बात नहीं बोल सकता हूँ, सैनिक पूरे हिंदुस्तान के लिए है और हम लोग जो है सैनिक के लिए जो समझ लें उनके, हम लोग साथ उनसे अलग नहीं है और हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं और हम लोग हिंदुस्तानी भी हैं और हमारे जो भी सैनिक भाई हैं मैं सभी को प्रणाम और आदाब करने का काम करते हैं। चलिए, थैंक यू रेड नेटवर्क से बात करने के लिए, आपका शुक्रिया। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।